हटो बच्चों, हो गया हटो बच्चों, हो रहा है। इसमें डालेंगे घास, मुर्गी जाएगी अंदर, एक अंडा रख देंगे फार्मी अंडा, बस ये थोड़ा खूबसूरती आ जाएगी इससे। खाली चेक कर रहे हैं अभी, आपको जेल की सजा नहीं दे रहे हैं। के जो अंडों पे बैठती है ना, उनके लिए एक अलग से जगह बन रही है। ये बन रहा है जी हमारी मुर्गियों के लिए ना, जिसमें अंडे दिया करेंगी और उसमें बैठा करेंगी, क्योंकि अभी कोई अंडा किधर दिया होता है, कोई किधर दिया होता है, एक मुसीबत बन जाती है। फिर जहाँ उसको कहीं और बैठाओ, बैठ ही नहीं रही होती, वो कहती जहाँ मैंने अंडा दिया उधर ही बैठना है मैंने, इसलिए हमने ये जुगाड़ किया। ये 350 रुपये का केन मिला है, 350 रुपये का केन मिला है। ऐसे बहुत सारे केन खरीदे हमने कबाड़ से। हाँ, हटो बच्चों, हो गया हटो बच्चों, हो रहा है अभी। सही हो गया, अब आप देखो ये आएगा ऐसे, दिखाओ एक, ये देखो ये ऐसे हम फिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे घास, मुर्गी जाएगी अंदर, एक अंडा रख देंगे फार्मी अंडा, ताकि मुर्गी को पता हो कि अंडा देख के मुर्गी अंडा देती है। तो लाइंस है ना, ऐसे बना देंगे हम। ये बेहतरीन आइडिया है, नेट से हमने निकाला ये, बहुत सारे आइडियाज़ में ये हमें सबसे सस्ता और सबसे अच्छा लगा। लकड़ी में ये होता है कि वो नमी जाती है, उसमें पानी जाने का बारिश में ख़तरा होता है, ये बिल्कुल सेफ हो जाएगा। तो अभी तजर्बा करके देखते हैं। ये कितने इंच का केन है? ये 9x12 का है। 9x12 का केन है, केज है ये केन। तो ऐसे हम बनाते हैं अभी। ये जो हमने काटा है ना इस तरह, मेरा आइडिया ये है कि ये लंबाई में कम है, चौड़ाई में कम है। अगर हम इसको यूं काटें ना, यूं, तो ऊंचाई इतनी है कि मुर्गी चली जाएगी और स्पेस ज़्यादा मिलेगी। तो वो दिखाएं डब्बा, एक हमें इसको यूं काटना चाहिए इस तरह से, यानी यहाँ से काटेंगे और इधर से काटेंगे ऊपर से, ये ज़्यादा सही होगा। चलो ये क्या लेकर आए हो? ये इस पे चढ़ा, देखो पूरा टेक्निकल काम करता है शफीउल्लाह तबारक व तआला, हमारे शागिर्द शफीउल्लाह तबारक व तआला, ये पूरा टेक्निकल काम हो रहा है। वाह, ये मशवरा किसने दिया? सॉल्यूशन के साथ आया। सॉल्यूशन भी लाए हो? इस पर एनपी लगाएंगे। इसकी ज़रूरत नहीं है तकल्लुफ़ की, बस इस पर वो मार दिया, रंधा मार दिया, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। मुर्गी कौन सी जाते जाते उसको कुछ लगेगा? मुर्गी को कुछ नहीं होगा। ये देखो ये इसमें हमने उसको घिस दिया है, तो अब ये बस ये थोड़ा खूबसूरती आ जाएगी इससे। हाँ, एक मुर्गी को अच्छा लगेगा यार। एक मुर्गी बिठा के देखते हैं ना अभी, लाओ ले आ मुर्गी। बाप देखो कोई कहाँ अंडा दे रही है, कोई किधर अंडा दे रही है। अभी अब आपको मैं बताऊँ, ये इस मुर्गी ने एक अंडा इधर दे दिया था, तो अब इधर ही आके बैठ रही है। इसको मैं किसी दफ़ा हमने उठा के कहीं और शिफ्ट किया, नहीं आ रही है, इधर ही आके बैठती है। अब इधर बैठती है तो दूसरी मुर्गियाँ इसको तंग करती हैं, वो डब्बा इधर लेकर। इसलिए अब हमने ऐसी जगह बनानी है जहाँ, क्योंकि बाज़ मुर्गियाँ जहाँ अंडा देती हैं उसके अलावा कहीं बैठती नहीं है, वो बहुत ही ख़ानदानी किस्म की मुर्गियाँ होती हैं, वो उनको शक होता है कि ये किसी दूसरे का अंडा तो नहीं हमारे नीचे रख दिया इन्होंने, मेरा ख्याल है। तभी वो उसी जगह पर बैठेंगी जहाँ उन्होंने अंडा दिया था। नस्ली मुर्गी है ये, मुल्तान से किसी ने मुझे एक वाइट मुर्गी गिफ्ट दी थी, उसकी सारी पोती नवासियाँ हैं। मुर्गी इसमें घुसा के देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। चल भाई जाए, इसके अंदर जाएगी नहीं, लेकिन खाली चेक कर रहे हैं अभी, आपको जेल की सज़ा नहीं दे रहे हैं, खाली चेकिंग हो रही है, चेकिंग। बेहतरीन है यार, बेहतरीन, इस तरह बेहतरीन है, बेहतरीन है, पास है, पास है, खड़े होने में भी सही है। हाँ बिल्कुल सही है। अब जा, अच्छा इसको जरा लिटा के देखे, बिठाते हैं, बिठाते हैं, नहीं बिठा के नहीं, बस बैठ गए, बैठ गए, बेहतरीन है, बेहतरीन है, ये पास है। आप इसको जरा वो करें उस तरह, इस तरह, हाँ हाँ, अब इस तरह देखें कि ये खड़ी होने की जगह बनती है, इसके बन रही है जगह, बन तो जाएगी, बस थोड़ा सा
बन जाएगी लेकिन मुश्किल हो रही है इसको खड़े होने में। बस सही है, यही पास है, इस तरह सही है। ये पास हो गया, ये हो गया पास। दोबारा इस केन का साइज बता दें ताकि अगर कोई अपने घर में बनाना चाहे ना तो। ये 9x12 है, 9x12 का केन है ना। सही बताओ यार, कोई ये नौ सीखना चाहे, बनाना चाहे मुर्गियों के लिए। ये अंडा गिरी होगी यहाँ पे। हाँ भाई अंडा दे दे अभी, अंडा अभी तो अंडा नहीं देगी आपके मशवरे। आज दे दे, जरा जल्दी नापो, शाबाश बस। ये एक फीट और इधर, एक फुट इधर से 9 इंच। ये जो केन मिलते हैं ना, साढ़े नौ इंच। चलो सही है, ये वाइट केन है, छोटे साइज में होते हैं। चलो भाई इसको वापस अंदर कर दो, शाबाश। ये सही हो गया, पास हो गया, ये ठीक है, बेहतरीन है। अच्छा ये जो हमने जगह है ना, ये थोड़ा सा और ऊंची रखें। ऊंची रखें? हाँ, यहाँ आप घास डालेंगे ना जब अंडा देगी है, घास निकल आएगी बाहर से। इसको थोड़ा सा ऊंचा रखें, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस ये इतना ऊँचा रखें। ये इसको हमने यहाँ से काटा है ना, हाँ, तो इसको यहाँ से काट देते हैं। ये यहाँ से काटेंगे, सही है, ठीक हो गया। दूसरा इसको अगर हम बिल्कुल सीध में ले आए, यूँ सीध में भी सही, सीध में यहाँ से थोड़ा अच्छा। देखो ना, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, नहीं, तो यहाँ से इसको सीधा करेंगे ना, यहाँ से इसको सीधा, से इसको सीधा करें ताकि ये जो ये इधर है ये इस वजह से, ताकि इसको थोड़ा सा हम गोल कर देते हैं। गोल नहीं करें इसको, सीधा 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 काटें इसको। देखो ये जो है ना, दिखाओ ये सीधा सीधा ऐसे लेकर आओ, ऐसे सीधा इसको, ये यहाँ से करके ना थोड़ा, ये दरअसल ये मोटा है, हाथ उधर भी जाएगा, इसको थोड़ा सा ग्राइंडर से बारीक करना, पर हाथ इधर भी जाएगा। या ऐसा करो, इधर से काट के ये इसको बराबर करो, इधर आओ, यहाँ से यूँ करो। नहीं नहीं, ये लगते हैं, ये लग जाएगा इसको, सिर्फ मैं अभी ग्राइंडर मारूँ तो भी लग जाएगा। ये पूरा लग जाना चाहिए, अभी ग्राइंडर लगाते हैं, छोड़ इसको, अभी रगड़ाई करते हैं। इसको लेवल में लाएं, लेवल में। ये देखो आप, हमने ऐसा बनाया, ये जो है ना, इसके नीचे तीन तीन पेच भी लगा दिए, लेकिन अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी काम कंप्लीट हुआ नहीं है, यहाँ तक पहुँचा है। हम स्क्रू से टाइट कर रहे हैं इसको, तीन तीन स्क्रू लगा दिए। देखो तीन तीन स्क्रू मिला के, हमने इसमें अंडे डाले हुए हैं ना, ये मुर्गियों को धोखा देने के लिए, ताकि मुर्गियों को अंदाज़ा हो कि यहाँ आके अंडा देना है, हमने दाएं बाएं इधर उधर नहीं देना अंडा। ये देखो मुर्गी अल्हम्दुलिल्लाह अंडा देने के लिए यहाँ आ गई, और हमारा ये मिशन हो गया कामयाब। क्योंकि जहाँ अंडा देती है ना, एक तो अंडे ज़ाया हो रहे थे दाएं बाएं इधर उधर, और दूसरा ये कि फिर बैठती जहाँ अंडा देती है वहीं जाके बैठती, गलत जगहों पे बैठ रही थी जाके, हमें फ़ायदा ये हो गया। कि फार्मी अंडे हमने रखे हैं मुर्गियों को बताने के लिए कि अंडा देना है तो इधर देना, ये मैसेज है। ये अभी दिया इसने अंडा, अच्छा ये खुड़क हो गई होगी, है दे रही मेरा, अभी देखते हैं, अगर ये बैठ गई इसका मतलब ये कुड़ुक होकर अंडों पे बैठ रही है, तो हम इसके नीचे अंडे ला के रख देंगे, और अगर इसने वो तो फार्मी अंडा पड़ा है। मुर्गी ने दे दिया अंडा, देखो ये अंडा दे के गई है, वेरी गुड। ये अंडा हम हटा लेते हैं यहाँ से, ये है एक नंबर ऑर्गेनिक, और ये देती है जो सही देसी अंडा है ना, ये 8 या 10 अंडे देगी, उसके बाद
कुड़ को जाएगी, किस दिन अंडों पे बैठेगी, फिर चूजे निकालेगी, फिर 2 महीने बाद जाके, 3 महीने बाद जाके फिर 8 अंडे देगी। तो इस तरह ये होता है अंडा ऑर्गेनिक। और आजकल मुर्गियों से अब बताओ आप, तो 3-4 महीने में 8 अंडे दे उस मुर्गी से गन पॉइंट पर रोज़ाना अंडा निकालना, तो क्या अंडे की वो क्वालिटी रहेगी क्या? ये फर्टाइल अंडा है, फर्टाइल। आ जाओ भाई, खाने के लिए हमने अंडे फ्रिज में रखे हुए हैं। ये जो अंडे हैं ये मैं अलग से जमा कर रहा हूँ मुर्गी के नीचे रखने के लिए। देखो पहले से रखे हुए हैं ना, इधर एक और आ गया। खाने के लिए बहुत जमा हो गए हैं इसलिए अब वो खाते जा रहे हैं, और जो नए आ रहे हैं वो चूज़ों के लिए अलग रख रहा हूँ मैं।